दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन का अंतर्राज्यीय तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मैनपुर पुलिस ने टीम गठित करते हुए साल खपरी पेंगोलिन का अवैध तरीके से तस्करी करने वाले ओडिशा राज्य के एक तस्कर को धर दबोचा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 26 जून शुक्रवार को गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबिर से सूचना मिलने पर उन्होंने मैनपुर थाना प्रभारी को एक टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके परिपालन में मैनपुर पुलिस ने टीम बनाकर मिली सूचना के आधार पर ग्राम कुल्हाड़ी घाट के पास एक व्यक्ति को, जो कि जूट के बोरे में साल खपरी यानी पेंगोलिन रखा हुआ था, जिसे बेचने की फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहा था, उक्त व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने एवं तलाशी करने पर एक जूट के बोरे में रखे पेंगोलिन बरामद किया गया। नाम पूछने पर अपना नाम पीताम्बर कटा, पिता शंकर कटा, ग्राम घूचागुड़ा का रहने वाला बताया, जिसे मैनपुर पुलिस द्वारा विधिवत समक्ष गवाहन के गिरफ्तार किया गया। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने समस्त थाना प्रभारियों को अवैध रूप से हो रहे गांजा शराब व हीरा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके परिपालन में थाना प्रभारियों द्वारा अलग अलग थानों में गांजा शराब हीरा एवं वन्य जीव के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताना लाजमी होगा कि विगत दिनों तेंदुआ की खाल सहित एक आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता के बाद थाना मैनपुर पुलिस ने दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन का अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद पुलिस कप्तान भोजराम पटेल द्वारा मैनपुर पुलिस को खाल कपरी यानी कि पेंगोलिन को बरामद किए जाने पर 5,000 से ज्यादा पुरस्कृत किए हैं। श्री पटेल ने कहा कि अवैध रूप से जिले में हो रहे गांजा तस्कर शराब जुआ सट्टा हीरा एवं वन्यजीव के तस्करों के विरुद्ध इसी प्रकार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। DNX टीवी के लिए गरियाबंद से राधे श्याम सोनवानी के साथ रितेश यादव की रिपोर्ट। हमारी पुलिस को इससे पहली सफलता हम लोगों को महासमुंद पुलिस के साथ में ज्वाइंट ऑप्स में मिला हुआ था, जहां पर एक पेंगुलिन को हम लोगों ने सीज किया था। उसके बाद दूसरी सफलता हम लोगों को जो तेंदुए की खाल थी उसके रूप में मिली थी। तीसरी सफलता हमारी मैनपुर पुलिस को पेंगुलिन को उसको सीज करने पर हम लोगों को मिला है। कल इस प्रकार से घटना हुआ कि एक पीताम्बर कटा नाम का व्यक्ति जो नुआपाड़ा का रहने वाला है, वह व्यक्ति कल कुलाड़ी घाट कैंप के आसपास आया और उसको बेचने की फिराक में था। सूचना मिलने के बाद में हम लोगों ने टीम बनाया जिसका सुपरविजन SDOP साहब कर रहे थे। हमारी थाना प्रभारी भूषण की टीम वहां पर गई और उससे पूछताछ किया। उसके पास हम लोगों को तीन बोरे के अंदर और एक मोबाइल उसके पास में मिला। उसके बारे में पूछताछ करने पर कोई उसके पास विधिवत पेपर नहीं था। हम लोगों को तस्करी का शक हुआ, उसको पकड़ करके लाए। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। पेंगुलिन को हम लोगों ने वन विभाग को दे दिया ताकि आगे अपना कार्रवाई करें। अभी उसके बाद हम लोगों ने पूरा पूछताछ करने के बाद में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत यहाँ पर अपराध यहाँ पर हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ ये कार्रवाई हमारी अंतिम कार्रवाई नहीं है। आगे इस प्रकार से जो तस्करी कर रहे हैं वन्य प्राणी जीवों का, उस पर भी पुलिस आगे और सख्ती से कार्रवाई करेगी।